दोस्तों जब भी बात विदेश घूमने की आती है तो हमारे दिमाग में कुछ देशों या आइलैंड के नाम ही सबसे पहले ख्याल में आते हैं। इन्हीं में से एक नाम है मॉरिशस। मॉरिशस अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अमूल्य धरोहर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक छुट्टियां मनाने आते हैं और इसी वजह से ये देश पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक बन गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको मॉरिशस से जुड़ी कई ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप वाकई हैरान हो। दोस्तों हिंद महासागर की गोद में बसा ये छोटा सा आइलैंड बेहद ही सुंदर है। मॉरिशस अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे प्रमुख और समृद्ध देशों में से एक है। इस देश की कुल लंबाई केवल 45 किलोमीटर और चौड़ाई 47 किलोमीटर है। पूरे विश्व में भारत के अलावा यदि कोई हिंदू राष्ट्र है तो वो है मॉरिशस। यहाँ घरों के बाहर तुलसी के पौधे में दिया जलाना एक आम बात है। मॉरिशस में 33 मीटर ऊंची माँ दुर्गा की प्रतिमा भी बनी हुई है जो पूरे विश्व में सबसे ऊंची माँ दुर्गा की प्रतिमा है। इस देश की लगभग 51% आबादी हिंदू है। इसके अलावा यहाँ 31% लोग ईसाई और लगभग 15% लोग मुसलमान है। इस देश के लोगों से मिलकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप भारत के ही किसी राज्य में घूम रहे हैं। हालांकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। यहाँ की सुंदरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कहा जाता है कि ईश्वर ने सबसे पहले मॉरिशस बनाया और फिर उसमें से स्वर्ग की रचना की। यानी कि इस देश की तुलना सीधे स्वर्ग से की जा सकती है। ये देश चारों तरफ नीले समुद्र से घिरा हुआ है और इसके अलावा यहाँ की वादियाँ, हरियाली और झरने किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है। इस देश में मूल रूप से भारतीय और अफ्रीकी मूल के लोग ही रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सैकड़ों वर्ष पहले ये टापू पूरी तरह से वीरान था, लेकिन सन 1810 में मॉरिशस पर ब्रिटिश हुकूमत ने राज कर लिया। इसके बाद यहाँ पर व्यापार को बढ़ावा देने और खेती के उद्देश्य से भारत और अफ्रीका के लोगों को यहाँ पर लाया गया। दोस्तों इस देश में घूमते हुए आपको भारत देश के उत्तर प्रदेश की तरह दूर दूर तक फैले गन्ने के खेत, केरल की तरह हरियाली और महाराष्ट्र की काली मिट्टी भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ के लोगों का रहन सहन और बोलचाल भी काफी हद तक भारतीयों की तरह ही है। यूँ तो इस राज्य की अपनी भाषा क्रियोल है, लेकिन यहाँ के लोग फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा का अधिक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा भी अंग्रेजी ही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जिन भारतीयों को मॉरिशस ले जाया गया था वे अधिकतर बिहार प्रांत के थे। सन 1968 में इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली। इस देश का राष्ट्रगान द मदरलैंड है, जिसकी रचना जीन जॉर्ज प्रॉस्पर ने साल 1968 में की। अब आपको इस देश के सबसे प्रमुख शहर और राजधानी की सैर कराते हैं। इस देश की राजधानी का नाम है पोर्ट लुइस। एक मुख्य शहर होने के साथ साथ ये एक प्रमुख बंदरगाह भी है। पोर्ट लुइस पूरे मॉरिशस की सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस शहर की आबादी लगभग 1.5 लाख है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर एक भी खनिज नहीं पाया गया। इसके बावजूद ये अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे अमीर देशों में से एक है। इस देश की अधिकतर कमाई केवल पर्यटकों पर ही आधारित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉरिशस के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 17 लाख रुपए है, जो भारतीय लोगों से 3 गुना अधिक है। इस देश की करेंसी की बात करें तो यहाँ मॉरिशस रूपी चलता है। भारतीय रुपए से तुलना की जाए तो एक मॉरिश रूपी लगभग 2 भारतीय रुपए के बराबर है। मॉरिशस और भारत के रिश्ते शुरुआत से ही काफी अच्छे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपको अगर पूरी दुनिया में किसी भी देश में अगर घूमने जाना हो तो उस देश के वीजा की जरूरत पड़ती है, लेकिन मॉरिशस जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। ये भारत और मॉरिशस के मजबूत रिश्तों का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। हालांकि घूमने के लिहाज से देखा जाए तो ये महंगा देश है। अगर आपको मॉरिशस का भरपूर आनंद उठाना है तो लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का खर्च आ जाएगा। हालांकि यहाँ घूमने के बाद आपको लगेगा कि आपके पैसे पूरी तरह से वसूल हो गए। ये पूरा आइलैंड 100 मील समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ के समुद्र की सफेद रेत देखकर आप चकमा भी खा सकते हैं, क्योंकि पहली नजर में देखने पर वो रेत नहीं बल्कि बर्फ जैसी नजर आती है। मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी डोडो है, हालांकि ये पक्षी अब विलुप्त हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको विशालकाय कछुए भी देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर बैठकर आप सैर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक खास प्रकार का पीला पंछी देखने को मिलता है, जो पूरे विश्व में अन्य कहीं नहीं पाया जाता। ये देश हनीमून पर जाने वाले प्रेमियों की पसंदीदा सूची में भी टॉप पर रहता है। मॉरिशस जैसा रोमांटिक वातावरण और शांति शायद ही दुनिया के किसी अन्य कोने में देखने को मिलेगी। यदि आप लजीज खाने की शौकीन हैं, तो आपको एक बार इस देश की सैर जरूर करनी चाहिए। करीपो, ढोलपुरी, मैनीफ्रिट, निकनियान और अलोधा इस देश के प्रमुख व्यंजन हैं। अब आपको इस देश के मुख्य टूरिस्ट स्पोर्ट्स के बारे में भी बता देते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं ली मोन ब्राबेंट की, जो मॉरिशस के दक्षिण में स्थित है। इस जगह को विश्व धरोहर सूची में भी स्थान प्राप्त है। रोमांच के सौदागरों के लिए ये एक बेहद ही खास जगह है। यहाँ पर आप कई तरह की वाटर स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हैं। समुद्र के नीचे की दुनिया से यदि आपको रूबरू होना है तो यहाँ आपके पास वाटर डाइविंग का विकल्प भी मौजूद है। इसके अलावा सुंदर पहाड़ों का नजारा देखना हो या फिर अपने साथी के साथ पैदल यात्रा करनी हो, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं मॉरिशस के सबसे प्रमुख आकर्षण के केंद्र चैमरेल की। चैमरेल में आपको बहुत ही सुंदर वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा, जो सैकड़ों मीटर ऊंचे पहाड़ों से निकलते हैं। इसके अलावा आपने आसमान में इंद्रधनुष तो कई बार देखा होगा, लेकिन चैमरेल में आपको जमीन पर बना इंद्रधनुष दिखाई देगा। सात रंगों की मिट्टी से बने इन छोटे छोटे टीलों को देखने के लिए टूरिस्ट वाकई में पागल रहते हैं। ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ आपको ऐसा खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मॉरिशस एक हिंदू राष्ट्र है, और अगर आपको यहाँ पर हिंदू परंपरा को साक्षात देखना हो तो गंगा तालाब देखना बिल्कुल ना भूलेगा। गंगा तालाब को ग्रैंड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरे मॉरिशस की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ पर आपको गंगा तालाब नाम की एक पवित्र नदी देखने को मिलेगी, जो हिंदू पर्यटकों के लिए एक आस्था का केंद्र भी है। इसके अलावा यहाँ पर 108 फुट ऊंची शिवजी की प्रतिमा भी बनी हुई है। यदि आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे देखने हैं तो उसके लिए भी ये जगह एकदम परफेक्ट है। इनके अलावा काले पानी की नदी और ब्लैक रिवर गॉर्जेस नेशनल पार्क भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत जगह है। बर्ड वॉचिंग के शौकीन और फोटोग्राफर्स के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ पर आपको 140 से अधिक प्रकार के पक्षी और 300 से अधिक प्रकार के फूल पौधे देखने को मिल जाएंगे। दुनिया के बहुत कम हिस्सों में पाया जाने वाला गुलाबी कबूतर भी यहाँ आपको बेहद आसानी से देखने को मिल जाएगा। अन्य जगहों में पेम्पल मुसिस बॉटेनिकल गार्डन, मॉरिशस की प्राचीन और अमूल्य धरोहर को दर्शाता शुगर एडवेंचर म्यूजियम भी आपको जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको विशालकाय और सुंदर कछुए देखने हैं या फिर खतरनाक मगरमच्छ, तो आप ला वेनिले नेचर पार्क का रुख भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मॉरिशस की खूबसूरती का अंदाजा तो हो ही गया होगा, लेकिन यदि आपको मॉरिशस की असली खूबसूरती देखनी है तो लाइफ में एक बार तो इस खूबसूरत आइलैंड का ट्रिप अवश्य करिए। हमारा दावा है कि एक बार जाने के बाद आपका वापस घर आने का मन नहीं करेगा। मुमकिन है कि आप में से बहुत से लोग शायद पहले मॉरिशस गए हों, वे लोग हमें कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, और साथ ही इस तरह के मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।